कराची में बारिश, मेमन गोट के मकाम पर मलीर नदी बिफर गई, पानी का रैला दाखिल होने से शाहराह ज़ेरे आब आ गई और मलीर मलोक होटल से मेमन गोट जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। और आपको ये भी बताएं कि शहरियों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है और कराची में बारिश हुई, मेमन गोट के मकाम पर मलीर नदी बिफर गई। इसी हवाले से तफसीला जानेंगे शामीर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये रात गए थे सुबह तक वक्त से शहर में बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद अब जो है मलीर नदी में एक बार फिर से तोहियानी आई है। उसका पानी बिफरने के बाद जो है वो शाहरा पे आ गया है। बताया जा रहा है कि मेमन गोट से जो रास्ता मलीर सिटी की जाने वाता है, यहाँ पे शाहरा पे जो है मुकम्मल तौर पर ये रोड अब ज़ेरे आब आ चुकी है, जहाँ पे पानी का रेला जो है वो इस शाहरा को क्रॉस कर रहा है। तमाम इंतजामिया ने हिफाजती इकदाम के तहत इस रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि ट्रैफिक जो है मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई है। रोड इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर पानी की लपेट में है। तमाम इंतजामिया कहना है कि जैसे ही पानी का रेला यहाँ से पार कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, रोड को जो है ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन फिलवक्त पानी का खासा तेज रेला है, जो कि इस शाहरा को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में लिया हुआ है, जिसके बाद रोड के दोनों जानेब जो है इस पानी की दोनों जानेब जो है शहरी फंसे हुए हैं। मेमन गोट से जो लोग मलीर सिटी की जाने आ रहे हैं उनको जो है वो शदीद परेशानी का सामना है, क्योंकि ये वाहिद ट्रैक है जो कि मेमन गोट से मलीर सिटी को जो है वो कनेक्ट करता है। मलूक होटल से जो रास्ता जाता है मेमन गोट की जानेब, वो इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। तमाम इंतजामिया अलर्ट है, किसी भी शख्स को जो है इस तरफ जाने से रोका जा रहा है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके, जबकि पानी का रेला क्रॉस होने का इंतजार किया जा रहा है ताकि ये पार हो जाए तो उसके बाद रोड को ट्रैफिक के लिए खोला जाए। शुक्रिया शामिर, आपने अपडेट किया।